लव कटारिया मैनेजर इन लव कटारा और ईशा मालवी का कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है। पूरा मैटर क्या एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ। ईशा मालवी का एक्चुअली पॉडकास्ट आउट हुआ है, किसमें उनसे सभी बिग बॉस घर में कितने लोग थे सभी को एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना था। ईशा मालवी का लव कटारा की बारी है तो वहाँ पे ईशा मालवी ने लव कटारा को एल्विश का मैनेजर कह दिया था। तो सोशल मीडिया पे ये चीज काफी ज्यादा सर्कुलेटेड हो रहा था, जिसके बाद लव कटारा ने भी रिप्लाई कर दिया ईशा मालवी को काफी सॉलिड सा। आप सब देखिए फर्स्ट कॉपी के बारे में श्रद्धा कपूर की। भाई श्रद्धा कपूर की फर्स्ट कॉपी एक पॉडकास्ट में बैठी थी, वहाँ पे उससे पूछा गया कि बिग बॉस OTT3 के कंटेस्टेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है एक लाइन में, मतलब ऐसे एक दो वर्ड्स में। तो जब मेरा नाम आया उसने बोला, भाई ने पूछा और पॉडकास्ट वाले ने लव कटारिया, तो कहती कि मैनेजर, और फिर हंस दी ऐसे हंस दी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैनेजर तो मेरे को ना पड़ता इतना सा भी फ़र्क, कितना ही कही जाओ तुम, हमारे में इसको भाईचारा कह मैं दोस्ती कह मैं तुम्हारे में और कुछ कहते होंगे, पर फिर भी अगर मैनेजर की बात कर ही रहे हो तो मैनेजर बेटे बैठा बैठा यहीं पे बताने लग रहा, हिलना भी ना पड़ेगा, शो पूछते हैं आपकी 100, समझ रहे हो। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, फिर आप कहोगे विमेन कार्ड लो हमें क्या कह रहा है क्या कह रहा। देखो आई ऑलवेज रिएक्ट भाई, मैं आगे से आपको आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो आपका हक भी नहीं बनता, आप कहोगे तो सुनोगे। ये तो है ना कि हम बैठे रहेंगे भाई, गए वो जमाने ब्रो गए। तूने कैसे देखा कि यहाँ पे लव कटारा ने ईशा मालवी के लिए क्या कहा, तो इन सभी पे आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना।